हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द प्रोग्राम। सो फॉर फ्रेंड्स, टुडे मैं आप लोगों को एक प्रोफेशनल एचएमआई डेवलपमेंट की क्लासेस शुरू कर रहा हूँ, जिसमें मैं आपको एक प्रोफेशनल एचएमआई कैसे बनाते हैं ये सिखाऊंगा। नॉर्मली सभी लोग एचएमआई के अंदर छोटी मोटी चेंजेस वगैरह कर ही लेते हैं, एंड कोई और जिनमें थोड़ा बहुत इंस्ट्रक्शन अगर आपको ऐड करनी तो आप लोग कर सकते हैं, लेकिन एक प्रोफेशनल एचएमआई कैसे बन लेकिन एक प्रोफेशनल एचएमआई कैसे बनाते हैं ये आप में से बहुत सारे लोगों को नहीं आता। तो सफर मैं इसमें आप इन एपिसोड्स के अंदर आपको सारी चीज़ें सिखाऊंगा, एंड सारी ट्रिक्स जो भी हम यूज़ करते हैं एंड जो भी तौर तरीके हैं एक एचएमआई बनाने के, मैं आपको सभी सिखाऊंगा। सो जैसे कि आप देख सकते हैं कि मैंने सामने में जीओटी 1000 की स्क्रीन खुली है, लेकिन मैं जीओटी 2000 में काम करूँगा। इस फिलहाल इसे क्लोज करते हैं एंड जीओटी 2000 स्टार्ट करते हैं। तो अब ये स्टार्ट हो रहा है मेरा। एज यू कैन सी जीओटी 2000 का मेरा जीटी डिजाइनर 3 ओपन हो रहा है। देन नाउ लेट्स क्लिक ऑन द न्यू। जैसे मैं न्यू पर क्लिक करूंगा, अब मेरा न्यू प्रोजेक्ट विजार्ड खुल गया, जिसे आप देख सकते हैं सामने। इसे 5 पॉइंट्स हैं: जीओटी सिस्टम सेटिंग्स, कंट्रोलर सेटिंग्स, जीओटी आईपी एड्रेस सेटिंग्स, स्क्रीन स्विच सेटिंग्स एंड स्क्रीन डिजाइन सेटिंग्स। नेक्स्ट। अब आप फर्स्ट विंडो मेरी देख सकते हैं, जिसमें मैं सबसे ऊपर दिख रहा है मैं सीरीज। तो इसके अंदर तीन सीरीज आती हैं: जीओटी 2000, जीएस एंड जीओटी 1000 सीरीज। मैं जीएस सीरीज सिलेक्ट करूंगा इनमें से। अब मैंने जीएस सीरीज सिलेक्ट कर लिया, तो अब देख रहे हैं जीओटी टाइप आ रहा है। जीओटी टाइप के अंदर अगर आप क्लिक करेंगे तो आपको दो तरह की अच्छे मैच दिखेंगी। क्लिक ऑन इट, देखिए आपने दोनों दिख रही हैं आपको सामने। तो मैं इसमें ऊपर वाला ही सिलेक्ट करूंगा। इसमें अब आपको 2110 और 2107, ये बेसिकली एचएमआई के साइजेस हैं, वो आपको दिखे। और नीचे अब मैं सिलेक्ट कर रहा हूँ वर्जन 2, बिकॉज ग्राफिक्स इसमें बहुत अच्छे आते हैं। तो आई एम गोइंग टू सिलेक्ट जीओटी ग्राफिक्स वर्जन 2। नाउ आई एम गोइंग टू क्लिक ऑन नेक्स्ट। ये हमारी सारी सेटिंग्स आपके सामने आ गई, जो जो मैंने इसमें सिलेक्ट किया है सब कुछ आपके सामने विजिबल है। सो लेट्स गो फर्दर। नाउ मैन्युफैक्चरर। अब ये मैं फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे सारे मैन्युफैक्चरर्स, जो भी कोई भी आपको कंट्रोलर बनाते हैं, वो सभी आपको सब लिस्ट में है, एड है। तो आप जो भी सिलेक्ट करना चाहें यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं, लेकिन हम मित्सुबिशी पे ही काम करेंगे, बिकॉज के इसमें हमारा सिमुलेशन पे यूज करना, बिकॉज अभी मेरे पास पीएलसी मौजूद नहीं है, तो मैं इसी पे काम करूंगा। यहाँ पे आप सारी देख सकते हैं, सारी पीएलसीज मेरी आ गई, जो भी मित्सुबिशी के अंदर हैं कंट्रोलर टाइप्स जो भी अवेलेबल हैं, वो सारी आपको यहाँ पे सामने दिख रही हैं। इसमें आप मेलसेक की सारी कंट्रोल साइज यूज देख सकते हैं, और आपके जो भी आप सीरीज सिलेक्ट करना चाहे सिलेक्ट कर सकते हैं। नीचे सर्वोज भी है, बिकॉज सर्वोज भी डायरेक्टली हमारी एचएमआई से कनेक्ट हो जाती है, तो यहाँ पे सर्वोज भी दी गई हैं, तो सर्वोज भी आप सिलेक्ट कर सकते हैं। कोई भी पर्टिकुलर सर्वो आप सिलेक्ट करके इसमें साथ में लगा सकते हैं, लेकिन मुझे मोस्टली टॉप ऑन ही सिलेक्ट करनी है। तो लेट्स गो फर्दर। नाउ लेट्स गो फॉर द कम्युनिकेशन मोड। अब कम्युनिकेशन मोड में इस तरह ही आप सिलेक्ट करेंगे, तो ये मेरे ऊपर पहले पीएलसी कंट्रोलर दिखा रहा है। अब नीचे इससे मैं सिलेक्ट करूंगा इसको, तो इसमें मेरे स्टैंडर्ड RS485, RS232 और इथरनेट मल्टी तीन ऑप्शन दिखाएगा, तो मैं इथरनेट मल्टी सिलेक्ट करूंगा। लेट्स गो फॉर द नेक्स्ट। अब आ गया ऐसा कम्युनिकेशन ड्राइवर। ये कम्युनिकेशन ड्राइवर मेरा डिफॉल्ट है, तो मैं इसको डिफॉल्ट पे ही रहने दूंगा। ये अब हमारा जो कुछ भी हमने सिलेक्ट किया था चैनल के, कम्युनिकेशन चैनल के लिए, वो सारी कम्युनिकेशन सेटिंग्स यहाँ पे आ जाएंगी आपके सामने, आप देख सकते हैं इजिली। सो फॉर लेट्स गो फॉर नेक्स्ट। अब आ गई मेरी आईपी एड्रेस सेटिंग। ये सारी डिफॉल्ट आईपी सेटिंग्स है, 192.168.3.18, ये हमारी डिफॉल्ट आईपी होती है, तो इनको हम चेंज नहीं करेंगे, बिकॉज हम नॉर्मली इन्हीं को यूज करते हैं। तो सो फॉर लेट्स गो फॉर द नेक्स्ट। अब आता है हमारा स्क्रीन स्विचिंग्स। तो स्क्रीन स्विचिंग्स में फर्स्ट ऑफ ऑल मैं स्क्रीन स्विचिंग डिवाइस चेंज करूंगा अपनी। तो यहां पे मैं डालूंगा फर्स्ट ऑफ ऑल डी
300 मैंने सेलेक्ट कर लिया एंड D101 मैं नीचे डाल दूंगा। अब यहाँ पे लेट्स गो फॉर द नेक्स्ट। अब ये आ गए आपके सारे स्क्रीन डिजाइंस। आप स्क्रीन डिजाइन से इनसे कोई भी सिलेक्ट कर सकते हैं। बहुत सारे डिजाइन्स दिए गए हैं आपके सामने अलग अलग कलर्स में, लेकिन आई विल प्रेफर द लाइट कलर। मैं मोस्टली लाइट कलर्स पर ही प्रेफर करता हूँ बिकॉज लाइट कलर्स में आप कोई भी कलर यूज करें वो अच्छा दिखता है एंड साफ दिखता है, बिल्कुल क्लियरली आप विजिबल रहता है। तो दैट्स व्हाई आई एम गोइंग टू सिलेक्ट द लाइट कलर। नेक्स्ट सो जो भी हमने सेटिंग्स की थी वो सारी यहाँ पे विजिबल हैं। आप सारी सेटिंग्स देख सकते हैं इजिली। आई विल होल्ड फॉर अ लॉन्ग टाइम सो बिट लॉन्ग टाइम सो दैट यू कैन सी इट इजिली। सारी चीज़ें आपके सामने क्लियरली विजिबल रहेंगी, आप सारी देख सकते हैं। मेरा हर ड्यूटी टाइप वगैरह एवरी थिंग स्क्रीन स्विचिंग डिवाइसेस वगैरह सब कुछ मैंने यहाँ पे क्लियरली दिखा रखा आपको। इसमें ईच एंड एवरी थिंग मैं आपको माउस कर से मूव करके दिखा रहा हूँ। सो हमारा नया प्रोजेक्ट तैयार हो गया। नाउ ये आप देख सकते हैं ये बेसिकली एक पॉपअप विंडो आती है आजकल सॉफ्टवेयर अपडेट के बाद में जो वर्जन 2 सिलेक्शन के लिए आपको बताती है, लेकिन मैंने ऑलरेडी वर्जन 2 सिलेक्ट किया हुआ सफर तो मुझे इसमें कोई जरूरत नहीं है। सो आई क्लिक ऑन ओके। सो फ्रेंड्स दिस इज अवर न्यू प्रोजेक्ट विंडोज ओपन नाउ और ऊपर सारी टैब्स आप देख सकते हैं सारी विंडोज इधर साथ में आपका ऑब्जेक्ट विंडो भी है और साथ में हमारे स्विचेस विंडो भी हैं जो भी हम यूज करना चाहते हैं फिगर्स हैं हमारे। तो ये स्विचेस हैं साइड में आप देख सकते हैं यहाँ पे लैंप्स हैं, ये आपका न्यूमेरिकल डिस्प्ले आप देख सकते हैं। सारी चीज़ें यहाँ से आपको क्लियरली विजिबल हैं, सब कुछ आपको आराम से दिखेगा। मीटर्स वगैरह स्लाइडर्स सब कुछ आपको क्लियरली विजिबल है। तो ये सिर्फ सिंपल डायरेक्टली चीज़ें आप यहाँ से एक्सेस कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स दिस इज हाउ यू कैन ओपन ए क्रिएट ए न्यू प्रोजेक्ट एंड इन द नेक्स्ट वीडियो आई विल टेल यू हाउ टू यूज ए स्विच एंड टिल देन टेक केयर बाय बाय एंड कीप वॉचिंग। थैंक यू।